आधार कार्ड से रिलेटेड काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज हैं जैसे कि एम आधार एप्लीकेशन को यूज़ करना, आधार कार्ड को डाउनलोड करना, अपॉइंटमेंट को बुक करना और CSC के लिए अप्लाई करना। अगर आप इन सभी सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप इन सभी सर्विसेज का लाभ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक कैसे करवा सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करवाने के लिए आप अपने कंप्यूटर या तो फिर मोबाइल के स्क्रीन पे कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और सर्च बार में uidai.gov.in एंटर करके सर्च कर दें तो आपके सामने UID का ऑप्शन वेबसाइट आ जाएगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे, बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पे आप अपॉइंटमेंट को बुक करके आप क्या क्या करवा सकते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। जैसे कि आप एक नया आधार कार्ड को बनवा सकते हैं, अपने आधार कार्ड में नेम को अपडेट करवा सकते हैं, एड्रेस को अपडेट करवा सकते हैं, मोबाइल नंबर को अपडेट करवा सकते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और बायोमेट्रिक को भी अपडेट करवा सकते हैं, जहाँ पे बायोमेट्रिक के अंदर फोटो, फिंगरप्रिंट और इरेज आता है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्रोसेस टू बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर और कैप्चा को फिल करने के बाद सेंड OTP का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP को सेंड किया जाएगा। वो OTP यहाँ पे एंटर करना है। OTP आ चुका है, यहाँ पे OTP एंटर करने के बाद सबमिट OTP एंड प्रोसेस का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पे न्यू इनरोलमेंट और अपडेट आधार का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप एक नया आधार कार्ड को बनवाना चाहते हैं तो न्यू इनरोलमेंट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने आधार कार्ड में किसी भी तरीके का अपडेट करवाना चाहते हैं तो अपडेट आधार पे क्लिक करेंगे। एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको नेम और आधार नंबर एंटर करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो व्हाट डू यू वांट, मतलब आप अपने आधार कार्ड में क्या अपडेट करवाना चाहते हैं। अगर आपको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट करवाना है तो मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करेंगे और डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कराना है तो डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो प्रोसेस का ऑप्शन है, प्रोसेस पे क्लिक करें। प्रोसेस पे क्लिक करते ही एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और कैप्चा को फिल करना है। मोबाइल नंबर आपको वही एंटर करना है जो आप अपने आधार कार्ड में लिंक करवाना चाहते हैं। आधार कार्ड का नेम आ जाएगा और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद कैप्चा को फिल करना है। अगर आपको कैप्चा समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ट्राई अनदर पे क्लिक करके आप कैप्चा को रिमूव भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और कैप्चा को फिल करने के बाद सेंड OTP का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे OTP को सेंड किया जाएगा, वो OTP यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपके मोबाइल नंबर पे OTP को सेंड नहीं किया जा रहा है तो रिसेंड OTP पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल पे दोबारा से OTP को सेंड कर सकते हैं। OTP को एंटर करने के बाद वेरीफाई OTP का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। सेव एंड प्रोसेस का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अंडर सेक्शन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है। यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट ID दे दी गई है और बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सर्च करना है इनरोलमेंट सेंटर, जहाँ पे आपको सर्च करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने सिटी का नेम से भी सर्च कर सकते हैं, जिसके लिए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस और विलेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पिन कोड से सर्च करना चाहते हैं तो पिन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे और गेट डिटेल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके सिटीज में इनरोलमेंट सेंटर है उसकी लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने पिन कोड को एंटर किया और गेट डिटेल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक किया तो नीचे जितने भी हमारे सिटीज में इनरोलमेंट सेंटर है उनकी यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है। जो भी सेंटर पे आप अपॉइंटमेंट को लेना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ICICI बैंक गया को सिलेक्ट करता हूँ। एक पेज ओपन होगा जहाँ पे कुछ नोटिस दी गई है, जैसे कि ब्लू का जो स्लॉट उस तारीख को सर्विस पॉइंट ओपन रहेगी, रेड का स्लॉट है उस तारीख को सर्विस पॉइंट क्लोज रहेगी। हमारे सिटी में जितने भी आधार सर्विस पॉइंट है सभी को क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि COVID-19 के तहत हमारे सिटी को सील कर दिया गया है। जब सील हटेगी तो मैं आप लोगों को अपॉइंटमेंट बुक करके डिटेल्स में दिखाऊंगा। अगर आपके सिटी में सील नहीं हुआ है तो आप डायरेक्टली तारीख को सिलेक्ट करेंगे और अपॉइंटमेंट को बुक करेंगे तो टाइम पे जा करके आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन करवा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।